हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल रॉयल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपना ई चालान किस तरह निकाल सकते हैं ऑनलाइन, वो भी ठीक है। अभी सारी प्रोसेस ऑलरेडी ऑनलाइन हो चुकी है, देख सकते हैं आप। काफ़ी लोग गाड़ियाँ चलाते हैं रफ, उसके कारण काफ़ी पुलिस की तरफ से आपको यहाँ पर चालान मिल सकता है, ठीक है। तो उस चालान को किस तरह आप चेक कर सकते हैं, उसकी पूरी प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाना है आपको गूगल में जाने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको सर्च करना है कि ई चालान डॉट परिवहन, ठीक है। ये सर्च कर देना है, आपको फ्रंट में जो वेबसाइट दिख रही है वही आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इस वेबसाइट को आपको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इस तरह का यहाँ पे सर्विसेज मिल जाएगी आपको। यहाँ पे चेक दिल्ली ट्रैफिक चालान या चेक, यहाँ काफ़ी सारी यहाँ सर्विस आपको मिल जाएगी। हमें क्या करना है, चेक चालान स्टेटस पर सिंपली क्लिक कर देना है और सिंपली यहाँ पे चालान की डिटेल्स हमें यहाँ फिलअप करनी पड़ेगी। यहाँ पे तीन तरीके से यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहे हैं आपको। पहला ऑप्शन है चालान नंबर डालना है। आप अगर आपने पुलिस वाले ने कहीं भी आपको चालान काटा है तो वो नंबर डाल के यहाँ उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे व्हीकल नंबर है, व्हीकल नंबर आपको डालना है। यहाँ पे व्हीकल आपका गाड़ी नंबर डालना है और यहाँ पे चेसिस नंबर या इंजन नंबर आपको डालना है, क्योंकि गाड़ी नंबर तो कोई भी डाल सकता है बट उसका चेसिस नंबर या इंजन नंबर उसके जो गाड़ी का जो ओनर होगा उसी को ही वो दिखेगा, ठीक है। उसके अलावा ये दो चीज़ किसी के पास नहीं होती, इसलिए वो स्टेटस नहीं चेक कर पाएगा, ठीक है। तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे व्हीकल नंबर यहाँ पे डालना है और उसका उसके बाद अगर आपके पास चेसिस नंबर होगा तो चेसिस नंबर डालना है और यहाँ इंजन नंबर हो तो इंजन नंबर डाल के यहाँ कैप्चर फिलअप करके यहाँ गेट डिटेल्स पर क्लिक करना है, ठीक है। तीसरा तरीका दोस्तों, आपको यहाँ पे डीएल का है जो ड्राइविंग लाइसेंस का है, सिंपली आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस डालना है और उसके बाद यहाँ कैचअप फिलअप करके यहाँ एक बार डाल देना है डिटेल। तो सिंपली यहाँ पे आप डीएल डाल ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाल के भी यहाँ स्टेटस चेक कर सकते हैं। हम यहाँ एक बार ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाल के यहाँ ट्राई करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना लाइसेंस नंबर और कैप्चर यहाँ पे फिलअप कर लिया और गेट डिटेल्स पर सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका अगर चालान कटा हुआ होगा तो यहाँ पे डिटेल्स शो हो जाएगी, यहाँ पे देख सकते हैं प्लीज एंटर चालान नंबर, ठीक है। हमारा अभी चालान नहीं कटा है अभी तक, तो यहाँ चालान अपना कटा होगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर ऑनलाइन किसी कारण से कैमरा की वजह से या किसी भी सीसीटीवी कैमरे की वजह से आपको ट्रैफिक पुलिस के वहाँ अगर चालान कटा होगा तो यहाँ सारे चालान यहाँ पे आपको ऑनलाइन दिख जाएंगे, ठीक है। तो मैं ज़्यादातर आपको रिकमेंड करूँगा कि व्हीकल नंबर आपका डाल दीजिए और उसमें चेसिस नंबर और इंजन नंबर डाल के अपना स्टेटस एक बार ज़रूर चेक कीजिए, ताकि आपको ऑनलाइन मालूम पड़ जाएगा कि आपका ऑनलाइन सीसीटीवी के कारण या अदर किसी चीज़ के कारण आपका यहाँ चालान कटा है कि नहीं कटा है। सारी डिटेल बहुत आसान तरीके से यहाँ आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करूंगा ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको मिलेगी। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।